सो कैसे हो यार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई ये जो वीडियो है वो है स्ट्रेंजर अपडेट का 110th एपिसोड। एंड जैसे हम लोग हर वीक भाई बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स की, तो वैसे ही इस वीडियो के अंदर भी मस्त मस्त अपडेट लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। तो होप करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात कर अपडेट नंबर 1 की, तो भाई वो निकल कर आ रही है गेम ऑफ थ्रोन्स के हिंदी डब के रिगार्डिंग। मैंने आप पिछले वीडियो में ही डिटेल में आप लोग को बताया था कि भाई किस तरीके से अभी करंटली कुछ लोग के अकाउंट में हल्का फुल्का ग्लिच हो रहा है, तो उन लोग को लग रहा है कि यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स की जो मल्टीपल लैंग्वेज है वो भाई ऑफिशियली शो होना स्टार्ट हो गई है। एंड रिसेंटली मेरे को कुछ और पिक्चर्स आप लोग के थ्रू सेंड करी गई थी एंड कुछ मैंने ट्विटर के ऊपर भी देखी थी। सो जिन लोग को लग रहा है अभी करंटली की जो पिक्चर सामने निकल कर आ रही है वो ऑफिशियल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन्स यस फ्यूचर में हिंदी में आएगा, बट अभी करंटली जो पिक्चर्स के अंदर आप लोग को मल्टीपल लैंग्वेजेस देखने को मिल रही है उनमें से कुछ एडिटेड है एंड कुछ लोग के अकाउंट में ग्लिच हुआ है। एंड ऐसा बहुत कम ही अकाउंट में हुआ है, तो मैक्सिमम ऑडियंस को इस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं, तो दरअसल वो लोग इसके ऊपर बिलीव करे ले रहे हैं। तो अगर आप लोग को इसके ऊपर ज्यादा कंफ्यूजन है तो मैंने डिटेल में वीडियो को कवर कर रखा है, आप लोग उसको चेकआउट कर लेना। बाकी जीओटी के जैसे मेरे को और हिंदी डब के ऊपर कंफर्मेशन पता चलती है मैं आप लोग को फ्यूचर में डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगा। सो बात करें अपडेट नंबर 2 की, तो निकल कर आ रहे द व्हील ऑफ टाइम के सीजन 2 के ऊपर। अब देखो अगर आप लोग को नहीं पता तो भाई इसका जब पहला सीजन आया था तो उसको मिक्स रिस्पॉन्स मिला था एंड उसके बाद मेकर्स ने काफी अच्छा लाइक इसके सीजन 2 के ऊपर वर्क करा हुआ है। एंड अभी सुनने में आ रहा है कि बजट वाइज एंड जो स्टोरी है उसमें इंप्रूवमेंट करी गई है। अब वो कितनी करी गई है वो तो जब शो आएगा तभी हम लोग को पता चलेगा। 1 सितंबर को ये शो रिलीज हो रहा है एंड अभी ये चीज कंफर्म हो गई है कि 3 एपिसोड आप लोग को इसके जैसे सीजन 1 में देखने को मिला था उसी तरीके से सीजन 2 के अंदर भी लाइक एक साथ रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड बाकी के जो बचे 5 एपिसोड है वो आप लोग को वीकली बेसिस पर देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अगर आप लोग को इस सीरीज के सीजन 2 के बारे में और भी जानकारी चाहिए एंड अगर आप लोग को जानना है कि इस साल और कौन कौन से एक्सपेंसिव शोज रिलीज होने वाले हैं देन उनके ऊपर भाई मैंने डिटेल में वीडियो को कवर कर रखा है, काफी तगड़ा वीडियो है, तो आप लोग उसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक मैं आप लोग को आई बटन में दे दूंगा। सो बात करें अपडेट नंबर 3 की, तो भाई ये वुल्वरीन फैंस लोग के लिए काफी अच्छी न्यूज हो सकती है अगर ये आगे चल के ट्रू हो गई तो, क्योंकि अगर आप लोग को नहीं पता है तो डेडपूल मूवी के अंदर तो आप लोग को ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन रिटर्न करता हुआ देखने को मिल ही रहा है, लेकिन इसी के साथ ही बताया जा रहा है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर जो मूवी आप लोग को 2027 के अंदर देखने को मिलेगी उसके अंदर भी आप लोग को एक जो मेजर रोल है वो भाई अपने वुल्वरीन का देखने को मिलने वाला है, जिसको डेफिनेटली अपने ह्यूज जैकमैन ही प्ले करते हुए आप लोग को देखने को मिलेंगे। मूवी को आने में भी 4 साल है, बट यस अगर डेडपूल के अंदर वुल्वरीन को लोगों ने काफी अच्छी तरीके से पसंद करा देन आप लोग मान के चल लेना कि यस मार्वल का एक सुपर हीरो तो एकदम कंफर्म हो चुका है जो कि आप लोग को सीक्रेट वॉर के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि खबरें तो ऐसी भी चल रही हैं कि रॉबर्ट डाउनी का भी रिटर्न आप लोग को एक नए आयरन मैन के साथ कराया जा सकता है एंड उनका जो कैमियो है उसके रूमर्स तो बहुत पहले से आ रहे हैं, तो उसके ऊपर जैसे हमको और डिटेल पता चलेगी मैं आप लोग को डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगा। आप लोग बताना कितने लोग चाहते हो कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का रिटर्न आप लोग को भाई देखने को मिलना चाहिए मार्वल में फिर से। सो बात करें बिट नंबर 4 की, तो भाई वो निकल कर आ रही है अमेज़न प्राइम की सीरीज पेरिफेरल की तरफ से। इसका सीजन 2 भाई पहले तो रिन्यू करा गया था एंड सही बताया तो सीजन 1 मेरे को अच्छा भी लगा था, लेकिन अभी करंटली जितने भी लोग इसके सीजन 2 का वेट कर रहे थे आप लोग के लिए काइंड ऑफ सैड न्यूज है, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही है कि सीजन 2 को भाई फिर से लाइक कैंसिल कर दिया गया है। अभी करंटली सीजन 2 को कैंसिल करने का जो रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि भाई राइटर्स के साथ ये एक्टर्स की भी स्ट्राइक स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से काफी डिफिकल्ट है भाई ढेर सारे शोज को आगे बढ़ा पाना। एंड आपको बताया कि भाई अमेज़न प्राइम जैसे बड़े बड़े जो जाइंट ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं वो हमेशा ही भाई मूव ऑन करना जानते हैं एंड इसी वजह से बताया जा रहा है कि द पेरिफेरल का सीजन 2 अभी करंटली तो कैंसिल कर दिया गया है। आगे चल के अगर भाई सब कुछ सही रहा देन आप लोग को मे बी इसका जो फिर से रिन्यूअल है वो सुनने को मिल जाए, बट यस अब इसके सीजन 2 को आने में बहुत लंबा टाइम लगेगा तो आप लोग सीजन 2 का वेट करना छोड़ सकते हो। तो बात करें अपडेट नंबर 5 की, तो निकल कर आ रही है स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 को लेकर। रिसेंटली डेविड हार्बर एंड मिली बॉबी ब्राउन का एक इंटरव्यू सामने निकल कर आया था, जहां पे भाई अपनी जो मिली बॉबी ब्राउन है उन्होंने ये चीज बोल दी है कि अब वो मूव ऑन करना चाहेंगी, सीजन 5 के एंडिंग के बाद वो कुछ नया ट्राई करेंगी, मतलब कि अब जो भी स्पिन ऑफ आएगी उसके अंदर आप लोग को 11 का कैरेक्टर तो देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज अभी करंटली कंफर्म नजर आ रही है। हालांकि डेफिनेटली उनका जो अटैचमेंट है वो भाई इस कास्ट के साथ तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी वो नए कास्ट मेंबर के साथ काम करना चाहती हैं आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसी के साथ ही भाई अपने हार्बर भैया ने भी ये चीज क्लियर कर दी है कि सीजन 5 की जो एंडिंग होगी वो एक लाइक मूविंग एंडिंग होने वाली है, जिससे ऑडियंस एंड जो एक्टर्स हैं सभी के सभी सेटिस्फाई हो सकते हैं, अभी करंटली तो ऐसा लग रहा है। बाकी जब भाई शो एंड होगा तब हम लोग को एग्जैक्टली चीजें पता चलेंगे, करंटली तो सीजन 5 स्ट्राइक के अंदर फंसा हुआ है, तो जैसे इसका वर्क स्टार्ट होगा तो मैं आप लोग को आगे चल के अपडेट बता दूंगा। अभी करंटली जो इसका सिनेरियो था उसके ऊपर मैंने अपडेट को कवर कर रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी अभी करंटली इस बार के स्ट्रेंजर अपडेट वाले वीडियो में इतना ही, होप करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, पीस आउट।